गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग नीर क्या निर्माण फिर की बाकी की पंक्तियों को पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में कवि अब बताते हैं कि राग के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची की उषा की बुधनी मुस्कान फिर से नीर का निर्माण फिर से मेह का आवाहन फिर से। यहाँ कवि यह बता रहे हैं कि रात का जो प्रलयकारी रूप, रात के प्रलयकारी रूप यानी जो घनघोर अंधेरा छा गया था, उस रूप से पृथ्वी का हर जन जन जो भी इस पृथ्वी पर रहता है, जिसके भीतर प्राण है, वह सब भयंकर रूप से डर गए थे। किंतु प्राची की उषा की, प्राची यानी कि पूर्व दिशा, सबको पता है कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन उसी समय पूर्व दिशा से उषा यानी सूर्य की एक रोशनी आती है और मोहिनी मुस्कान, और इस रोशनी से सारे लोगों में एक मुस्कान खिल उठती है और नीर का निर्माण फिर से नेह का आवाहन फिर भी। तो इस प्रकार कवि बोलते हैं कि इस प्रकार निराशा पूर्ण रात्रि की समाप्ति हुई और आशा की एक नई सुबह का सबने स्वागत किया और एक नए निर्माण के लिए लोगों को आमंत्रित किया। पुनः घोंसले का निर्माण यानी कि पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ और फिर उस विजय का आवाहन भी हुआ। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, वह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूथर, जड़ समेत उखड़ पखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटक पर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीत। यहाँ फिर कवि बता रहे हैं कि इस प्रलयकारी आंधी के झोंके, ऐसे आंधी के झोंके चले, घोर गर्जना यानी कि काफी बिजली कड़की और इतनी ज्यादा तेजी से कड़की कि पूरी पृथ्वी कांप उठी, और विटप मतलब होता है पेड़, और सारे पेड़ जड़ समेत उखड़ गए, कुछ भी नहीं बचा। पेड़ तो पेड़, इतने ज्यादा गर्जन और कंपन थी कि बड़े बड़े पर्वत, ऐसा लग रहा था बड़े बड़े पर्वत न टूट जाए, खंड खंड न हो जाए उनका, और बहुत विशाल विशाल जो पेड़ थे वह भी जड़ समेत उखड़ गए। और कवि यहाँ बता रहे हैं कि इस घोर गर्जन और कंपन में, इस घोर प्रलय में तिनकों से बनी हुई उस घोंसले पे क्या बीती होगी, जब इतने बड़े बड़े पेड़ उखड़कर टूट जा रहे हैं तो उन घोंसलों पे क्या बीती होगी, वह तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है, वह यहाँ यही सोच रहे हैं। होमवर्क के लिए तुम लोग को इन पंक्तियों की अच्छे से व्याख्या करनी होगी। थैंक यू बच्चों। अब तुम लोग अगले दिन ऑनलाइन क्लास खत्म होने से पहले 1:40 के अंदर, दोपहर के 1:40 के अंदर अपना होमवर्क मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करोगे।